नमस्कार, आज है वैलेंटाइंस डे, तो आज मैं बात करने वाला हूं रिलेशनशिप्स की। हम सभी लोग चाहते हैं कि हमारे जीवन में कोई एक ऐसा पार्टनर जरूर हो जिसके साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हों। जिनके संबंध ऑलरेडी अच्छे हैं वो चाहते हैं कि उनमें कभी खटास ना आए और उनका परिवार हमेशा मधुर संबंधों के साथ में चलता रहे। क्यों आपकी शादी में तनाव होता है, क्यों आपके परिवार में तनाव होता है, क्यों आपको कोई अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं मिल पाता, इसके ऊपर हम एस्ट्रो और वास्तु की कंप्लीट चर्चा करने वाले हैं। मतलब मैं एस्ट्रो वास्तु की पूरी डिटेल करने वाला हूं, बात करने वाला हूं। तो बिना रुके मैं बात पर आता हूं। सबसे पहली चीज इसमें जो देखी जाती है उसको हम कहते हैं डायरेक्शंस, और दूसरी जो चीज है उसको हम कहते हैं कुंडली या होरोस्कोप। जब हम इन दोनों चीजों की बात करते हैं तो मेरा विश्वास डायरेक्शंस पर बखूबी ज्यादा है, क्योंकि मेरे को ज्यादातर सिम्टम्स या मेरा जो एक्सपीरियंस है वो वास्तु को लेकर थोड़ा ज्यादा है कंपैरेटिवली कुंडली से। पर हम जब कुंडली के साथ में एसोसिएट करते हैं तो बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं, तो अलग अलग दिशाओं में पड़े हुए अलग अलग ऑब्जेक्ट्स आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। और किस तरीके से ट्रांजिट कुंडली आपके मन को बहलाकर या आपके मन में तकलीफों को पैदा कर आपके रिलेशनशिप में बहुत बड़ी समस्याएं बना सकती है या दे सकती है। तो सबसे पहले डायरेक्शंस कौन कौन सी होती हैं इसके ऊपर अगर हम बात करते हैं तो वो आती है साउथ वेस्ट। ये मैं अभी सिर्फ और सिर्फ वास्तु के पर्सपेक्टिव से डायरेक्शंस की बात कर रहा हूं। सभी लोगों ने मेरे मुंह से कई बार इस बात को सुना होगा कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में क्या क्या नहीं होना चाहिए, साउथ वेस्ट डायरेक्शन होती कहां है, पहले इस बात को आप समझ लीजिए कि ये अगर आपका घर है और यहां नॉर्थ है, यहां वेस्ट है, यहां साउथ है, तो इसके एग्जैक्ट बीच में साउथ वेस्ट आता है। तो सबसे पहले आपको एग्जैक्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ पता होना चाहिए, तो ही आपको एग्जैक्ट साउथ वेस्ट मालूम होगा, जो कि पता लगता है टू द स्केल मैप से, और आपको हमेशा टू द स्केल में मैप जरूर बनाना पड़ता है। तो सबसे पहले हमने बात करी साउथ वेस्ट की। साउथ वेस्ट में क्या क्या नहीं होना चाहिए, रेड कलर कभी नहीं होना चाहिए, टॉयलेट कभी नहीं होनी चाहिए, किचन का बर्नर कभी नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ में आपका रूम यहां पर होना चाहिए, फोटोग्राफ्स आपकी होनी चाहिए, ग्रीन कलर भी यहां पर नहीं होना चाहिए, प्लांट्स यहां पर नहीं होने चाहिए। ये विशेष बातें हैं जो ध्यान देने वाली हैं। इन्हीं के कारण आपके रिलेशनशिप्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं जिनको सॉल्व नहीं किया जा सकता, क्योंकि लोग अक्सर फिर डरते हैं कि हाँ हम इसमें वास्तु कैसे करेंगे, क्या होता है वास्तु, हमारे घर में तो ये प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ नृत्य कोण के साथ में जोड़कर यहां पर आपका कमरा बनवा दिया जाता है। पर इन बातों का ध्यान नहीं दिया जाता। अक्सर जो लोगों का घर आजकल के हिसाब से बन रहा है, मॉडर्न आर्किटेक्चर के हिसाब से बन रहा है, उनके घर में साउथ वेस्ट में ही टॉयलेट बन जाती है, क्योंकि यहां पर मास्टर बेडरूम पाया ही जाता है। तो सबसे पहले आपको यह ध्यान देना है, अगर यहां पर टॉयलेट है तो ब्रास की स्ट्रिप से उसको ट्रीट कर लेना है, बाकी सभी चीजों को आप हटा सकते हो, रेड कलर को हटा सकते हो, बर्नर के नीचे येलो कलर का पत्थर रख देना है अगर वहां पर है, तो इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। ये हो गई हमारी साउथ वेस्ट की बात रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में। अगर आपके रिलेशनशिप हैं तो, और अगर आपके रिलेशनशिप्स नहीं है तो भी एक बहुत बड़ा दोष बनता है साउथ वेस्ट के कारण, आपकी शादी ब्याह में बहुत सारी तकलीफें आती हैं। अब उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड मेजर डायरेक्शन जो आती है, वो है नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। ये दो डायरेक्शन वैसे तो रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट सेक्स की और अट्रैक्शन की डायरेक्शन है, जहां पर आप सभी लोग अपनी सही अशुभ मैट्रिमोनियल हैप्पीनेस को देखते हो, वो है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। यही डायरेक्शन है जो आपको अपने आप से भी जोड़ती है, अपनी आत्मा से भी जोड़ती है, आपके आकर्षण का कारक है। इसके अंदर भी कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं जो नहीं होनी चाहिए, जैसे है रेड कलर, जैसे टॉयलेट, किचन का बर्नर, येलो कलर, ये सब चीजें यहां पर होने से प्रॉब्लम आती है। टॉयलेट अगर यहां पर है तो आप एल्यूमिनियम की स्ट्रिप, यहां पर लगा सकते हो। बर्नर अगर यहां पर है तो ग्रीन कलर का पत्थर उसके नीचे लगाकर अपना ट्रीटमेंट कर सकते हो, येलो रेड कलर को रिप्लेस कर सकते हो ब्लू से या व्हाइट से। तो ये तो हुआ बेसिक्स, जितना आप लोग सभी लोगों ने कई बार मेरी वीडियोस में देखा होगा, इसको मैं बेसिक्स कहता हूं, मैंने शुरुआत से बात करी है इसलिए मैं इसके ऊपर आ रहा हूं। ये तो है दोष जो आपके घर में वास्तु के हिसाब से कभी नहीं होने चाहिए रिलेशनशिप्स के लिए। इन्हीं दोनों के कारण ना तो आप नए रिलेशनशिप में जा पाते हो, और अगर आप चले गए हो तो उस रिलेशनशिप में
खटास होनी शुरू हो जाती है। अब इन दोनों के साथ साथ में यहां पर क्या क्या होना चाहिए, जैसे मैंने पहले भी बताया, तो साउथ वेस्ट के अंदर आपकी फोटोग्राफ्स होनी चाहिए, पिक्चर्स जिसको हम कहते हैं, वही फोटोग्राफ्स जो शादी की फोटोग्राफ्स है या आपकी हनीमून की फोटोग्राफ्स हैं, इस तरीके की जितनी भी फोटोग्राफ्स हैं, अगर किसी को नया रिलेशनशिप में जाना है तो भी वो अपनी खुद की फोटोग्राफ्स भी नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में लगा सकते हैं। तो ये हो गया फोटोग्राफ्स वाला एक उपाय जो आपको दोनों डायरेक्शंस में आप बखूबी कर सकते हो और आपको करना भी चाहिए। उसके बाद में सारे एंटी एलिमेंट हटाने के बाद में आपको अपनी फैमिली में जो बड़े हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, पितर हैं, उनकी फोटोग्राफ्स को साउथ वेस्ट में लगाना है, इसको नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में नहीं लगाना है। और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में लगा देने हैं फ्लावर्स। जब भी मैं फ्लावर्स की बात करता हूं तो मैं कोई भी पेड़ पौधों की बात नहीं कर रहा, मैं डायरेक्टली बात कर रहा हूं ऐसे फ्लावर्स जो फ्रेश फ्लावर्स आते हैं उनको नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में लगाना है। और फैमिली की फोटोग्राफ्स जिसमें आपकी पुश्तों से फैमिली चली आ रही है, ऐसी शादी ब्याह की फोटोग्राफ्स होती हैं, उनको भी आप साउथ वेस्ट में लगाते हो तो आपके कल्चर को, आपके परिवार को आगे लेके जाने का वो काम करती हैं। और आपके फ्रेश फ्लावर्स जो हैं वो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में होने से आपके जीवन में एक नए पार्टनर के मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं। तो इतना उपाय आपको वास्तु के हिसाब से करना ही करना है। उसके बाद में मैं आता हूं कुंडली के ऊपर। जब हम कुंडली या एस्ट्रो वास्तु की बात करते हैं तो इसके अंदर जो दो डायरेक्शंस हैं वो निकल कर आती हैं, वो थोड़ी सी अलग हो जाती हैं। पहली डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट, दूसरी डायरेक्शन है वेस्ट। क्यों है? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन है ये सेकंड हाउस की है जिसको हम फैमिली का कहते हैं, और वेस्ट है सेवेंथ हाउस जिसको हम पार्टनर का कहते हैं। इन दोनों के ही मिलन से आपके सारे काम बनते हैं। तो इन दोनों डायरेक्शंस में भी कोई एंटी एलिमेंट, एंटी कलर, इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपके वो कुंडली के खाने खराब होने लगते हैं, जिससे पैसे पर भी, कस्टमर पर भी, आपकी फैमिली पर भी और आपके लाइफ पार्टनर पर भी असर दिख सकता है। करना क्या है? आप सभी लोग अपने अपने कुंडली जो आपकी है, जिस तरीके से मेरी सीरीज चल रही थी उस सीरीज में जो भी आपका एस्ट्रो सेज पर लगन निकल कर आता है, मान लीजिए एक नंबर लगन है तो यहां पर दो नंबर राशि होगी और यहां सात नंबर राशि होगी। तो दो नंबर राशि और सात नंबर राशि वाले लॉर्ड्स को आप एक्टिवेट कर सकते हो उन जगहों पर। ये एक छोटा सा उपाय है, ये परमानेंट उपाय नहीं कह सकते। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि हम हिट्स को पहले तवज्जो देते हैं, लेकिन कुछ लोगों को हिट्स देखने नहीं आते, वो एस्ट्रो वास्तु कोर्स का पार्ट है। तो यहां पर मैं डायरेक्ट रेमेडी दे रहा हूं। सेकंड नंबर हाउस का लॉर्ड वीनस हो गया, सेकंड नंबर राशि का लॉर्ड वीनस हो गया और यहां पर सात नंबर का लॉर्ड भी वीनस हो गया। तो सेकंड नंबर राशि की जो हमारे पास बॉडी पार्ट है वो है गला, और सात नंबर का है बेल्ट वाला रीजन। यहां पर आप परफ्यूम लगाकर, वीनस का जो प्रोडक्ट होता है वो परफ्यूम है, उसको लगाकर इसको एक्टिवेट कर सकते हो। तो आपका सेकंड और सेवंथ एक्टिवेट हो जाएगा, वो सारे खाने मैंने आपके एक्टिवेट करवा दिए, बेसिक बैलेंसिंग आपकी करवा दी, तो आपके चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाएंगे शादी होने के या जीवन साथी मिलने के। इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं। मान लीजिए कि यहां पर 11 नंबर राशि है फर्स्ट हाउस में, तो यहां 12 नंबर हो गई, यहां 5 हो गई। तो आपको कौन कौन से उपाय करने हैं? 12 नंबर राशि मतलब पैरों पर जुपिटर का निशान, मतलब येलो कलर का निशान, और साथ ही साथ में 5 नंबर मतलब दिल के रीजन में आपको सूर्य का ऑरेंज कलर का निशान लगाने से ये दोनों खाने भी आपके एक्टिवेट हो जाएंगे। इसे हम कहते हैं कुंडली का बॉडी पार्ट पर एक्टिवेट करना, राशिज को अपने अपने बॉडी पार्ट पर, हाउसेस को अपने अपने बॉडी पार्ट पर एक्टिवेट करना। ये हमने दो चीजें कर ली हैं। अब मैं आपको थर्ड एस्पेक्ट बता रहा हूं जिससे फैमिली लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको हम कहते हैं ट्रांजिट। ये ट्रांजिट इस बार मैं पूरा हेल्थ एंड डिजीजेस कोर्स के अंदर एक्सप्लेन करने वाला हूं। आपके जीवन में सडन प्रॉब्लम्स का सबसे बड़ा कारण होता है ये ट्रांजिट, जिसमें हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हेल्थ एंड डिजीजेस वाले कोर्स में हम इसके ऊपर पूरी कंप्लीट बात करने वाले हैं। जो भी लोग उस कोर्स में आ रहे हैं इस पॉइंट को अच्छे से समझना। ट्रांजिट नाम की एक चीज बनती है, जो भी आपकी दशा चल रही है उस दशा वाले प्लैनेट्स कौन कौन से खाने में आ गए, दशा वाले प्लैनेट्स कौन कौन से खाने के अंदर आ गए आपको यह देखना है। तो एक नई कुंडली बनकर आती है। अगर मान लो आपकी वीनस की दशा चल रही है, वो सेवेंथ में आ गया, वो एट्थ में आ गया, वो कौन से खाने में आ गया है, कहीं उसका नेगेटिव हिट तो एक्टिवेट नहीं हो गया है, कहीं कोई डुअल राशि तो नहीं आ गई है। मान लो कई बार मैंने यह भी देखा है कि मरकरी का नेगेटिव हिट अगर फर्स्ट हाउस पर आ जाए या सेवेंथ हाउस पर आ जाए
तो भी आपको रिलेशनशिप की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, आपके मन में डुअलिटी लेकर आ सकता है। राहु आपके सेवेंथ हाउस में आ जाए, राहु आपके फर्स्ट हाउस में आ जाए ट्रांजिट के अंदर, तो भी आपके साथ सेम समस्या पैदा कर सकता है। इस तरीके के खूब सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं। ये बात थोड़ी सी हार्ड है, अभी आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन सिर्फ एस्ट्रो फेज में जाओगे तो ट्रांजिट नाम का एक पेज आता है, उसको अगर आप खोल कर देखोगे तो आपको अपने प्लैनेट्स अलग अलग दिशाओं में दिखेंगे। उसे कहते हैं आज की ट्रांजिट, उसके हिसाब से देखो कि कौन सी दशा चल रही है और उस दशा की जो राशियां हैं वो कौन कौन से खानों में है और उसका लॉर्ड कौन से खाने में है। तो जो भी स्क्रिप्ट बनती होगी उसको पढ़कर देखना, आपको खुद बखूबी समझ में आ जाएगा और फिर मामला आएगा हिट्स का और साथ साथ में बेसिक्स का। तो आज आपको ये बात समझ में आई होगी इस पूरी वीडियो के अंदर। मैं समझ रहा हूं कि थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, लेकिन फिर भी अगर रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है तो ये वाला बेसिक उपाय कीजिए। और जो साथ साथ में मैंने आपको सीरीज के अंदर सिखा रखा है, अपनी अपनी लगन कुंडली बनाइए, सेकंड और सेवंथ को एक्टिवेट कर लीजिए, तो आपकी रिलेशनशिप की प्रॉब्लम फिलहाल के लिए सॉल्व हो जाएगी। और जिन लोगों को ट्रांजिट वाली बात समझ में आ गई हो वो ट्रांजिट कुंडली बनाकर एक नए आयाम को देखना सीखिए और भी इसको गहराइयों से देखेंगे 26 फरवरी से जो कोर्स स्टार्ट हो रहा है उसके अंदर स्पेसिफिकली टू हेल्थ। थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।